हेलो एवरीवन, मैं कुमार सर स्वागत करता हूं आप सभी का डीजी क्लासरूम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के पॉलिटी के सेशन में हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान के स्रोत। अब संविधान जब निर्माण हो रहा था हमारे देश का, हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ प्रावधान लिए हैं, कुछ आइडियाज़ लिए हैं। अब वो आइडियाज़ क्या हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, और ये आइडियाज़ क्यों लिए उसको भी हम समझेंगे। अक्सर भारतीय संविधान की यह कहकर आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान तो कट पेस्ट है, अलग अलग देशों से उठाए हुए प्रावधानों का जोड़ है। तो क्या ये आलोचना सही है? नहीं। इसके पीछे, अलग अलग देशों के सोर्सेज को लेने के पीछे, हमें हमारे जो संविधान ने निर्माता थे उनकी मंशा को समझना होगा, उनकी इंटेंशन को समझना होगा। हमारे संविधान निर्माता भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान बनाना चाहते थे, और इसी क्रम में उन्होंने पहले अलग अलग देशों के संविधानों को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्हें जिन देशों के जो प्रावधान अच्छे लगे वहाँ से उन्होंने आइडिया लिया। तो आइडिया लेना तो कहीं से भी कोई बुराई होती नहीं है, तो इस बात की तो आलोचना नहीं ही की जानी चाहिए कि भारतीय संविधान कट पेस्ट है। और उन्होंने आइडिया ज़रूर लिया, लेकिन एज इट इज़ उन्होंने उन मॉडल्स को भारतीय संविधान में अपनाया नहीं है, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किन किन देशों से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या आइडियाज़ लिए थे। सबसे पहली बात करते हैं हम अमेरिका की, यूएसए। यूएसए से हमने काफ़ी सारे प्रोविज़न लिए हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना जो हम देखते हैं और हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में। सो प्रस्तावना जो आज हम देखते हैं हमारे संविधान की, उसका आइडिया कहाँ से लिया? यूएसए से। साथ ही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे संविधान के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी चर्चा मिलती है, वो हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का संघीय जो प्रारूप है, सरकार का संघीय प्रारूप हमने अमेरिका से लिया है, यानी संघीय प्रारूप यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो संघीय व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए, ये सरकार का संघीय प्रारूप है, यानी राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र सरकार होती है, मिलजुल कर आपस में काम करती है। अभी फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमने कैनेडा से लिया था वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन संघीय सरकार की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट को आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगली बात करते हैं हम स्वतंत्र न्यायपालिका की, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यानी सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या लिया गया कोई भी निर्णय, वो संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, संविधान के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है, इस बात की जांच करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। वो जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, ये बात आप याद रखेंगे, और बहुत एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। अगला प्रोविज़न हमने क्या लिया है? प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी की बात हो रही है, हम जानते ही हैं कि जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। अब वो क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, जब हम प्रेसिडेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी आर्टिकल 14 आपको अगर याद होगा, कानून का समान संरक्षण या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कानून के दायरे में रहकर सब लोगों को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, सबको इक्वली समझा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। उम्मीद करता हूँ ये प्रोविज़न आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं कि और किन किन देशों से हमने क्या क्या प्रोविज़न लिया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन से।
अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने हम पर 200 साल हुकूमत की, उनका प्रभाव तो हमारे संविधान पर पड़ना ही था। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं संसदीय सरकार। अब संसदीय सरकार क्या होती है, देखिए कुछ देश आपने देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं और सारे डिसीजन राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं, जैसे अमेरिका, उस सिस्टम को कहते हैं अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप में क्या होता है, एक देश का राष्ट्रपति होता है जो कि देश का नाम मात्र उसके पास शक्तियां होती है, काम होता है, वो सिर्फ एक मान सम्मान के लिए व्यक्ति होता है, और एक प्रधानमंत्री होता है, और जो वास्तविक शक्तियों का जो यूज़ किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल होते हैं संसद के अंदर। इसी सिस्टम को कहा जाता है हमें क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी संसदीय सरकार को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे, बहुत एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया है क्या, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान। अभी बहुत से देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी एक व्यक्ति के पास दो देशों की नागरिकता नहीं हो सकती या दो राज्यों की नागरिकता नहीं हो सकती। ये जो आइडिया हमने लिया है, ये भी हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। सिटीजनशिप का पूरा चैप्टर ही हमें डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में, आर्टिकल 12 से 11 तक में सिटीजनशिप को लेकर के बात की गई है, और भी पिछले कुछ महीनों से देश में CAA को लेकर भी जो वाद विवाद रहे हैं उनको भी हम डिटेल में समझेंगे जब हम सिटीजनशिप का चैप्टर करेंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना ही याद रखें कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान हमने लिया है कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद हमने जो आइडिया लिया है वो लिया है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, यानी देश में कानून का शासन होगा, कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई जितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई जितना ही बड़ा फिल्म एक्टर हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। देश में कानून बनेगा और सब लोग कानून से गवर्न होंगे, लॉ से गवर्न होंगे, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट दिया था एवी डाइसी जी ने, ये बात आप याद रखेंगे, कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एवी डाइसी, ब्रिटिश स्कॉलर थे ये भी। अगला हमने जो प्रोविज़न लिया है वो लिया है रिट, यानी कि आर्टिकल 32 में जब हम मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि रिट क्या होती है। अभी के लिए बस आप एक बात यही याद रखेंगे कि रिट का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है कहाँ से लिया है, ब्रिटिश संविधान से। अगले कुछ प्रोविजंस भी देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। अभी लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है, लोकसभा के स्पीकर, उनकी पावर, उनके विशेष अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, ये सब जो हमने आइडिया लिया है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी देश में कोई भी काम जो करना है वो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। ये जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये थे हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रोविज़न लिए हैं। आइए अगली बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी कनाडा से हमने जो लिया है वो हमने लिया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी ये क्वासी फेडरल क्या होता है, क्वासी, देखिए फेडरल तो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से, लेकिन भारत का जो संविधान है वो थोड़ा सा अलग है, जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। भारत का फेडरल सिस्टम कैसा है, क्वासी फेडरल सिस्टम, कैसा है, क्वासी फेडरल सिस्टम। अभी क्वासी फेडरल सिस्टम को समझ लेते हैं, इसमें शक्तियों का बंटवारा तो होता है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन
कंपैरिजन अगर किया जाए तो केंद्र सरकार को एक मजबूत स्थिति में रखा जाता है, और इसी ही सिस्टम को हम कहते हैं क्या, क्वासी फेडरल सिस्टम। भारतीय स्ट्रक्चर को हम समझें, केंद्र सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं और राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, लेकिन कई मामलों में केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा मजबूत स्थिति में दिखती है, चाहे तो अपने डिसीजन उनसे मनवा सकती है। हालांकि ये भावना जो होती है ये फेडरल सिस्टम के अपोजिट होती है, फेडरल सिस्टम के विपरीत होती है, लेकिन ये भारतीय संविधान का एक विशेष अंग है कि एक मजबूत केंद्र वाले संघ की बात की गई है, और साथ ही साथ रेसिड्यू पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। अब अवशिष्ट शक्तियों का जो हमारा आइडिया है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, अभी देखिए भारतीय संविधान में कुछ सूचियों की बात की गई है जिनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को विभाजन किया गया है। जब हम अपने शेड्यूल्स देखेंगे वहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा इस बारे में, लेकिन अभी के लिए अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जब शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा था केंद्र और राज्यों के बीच में, तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त सारे ही इशू उनके ध्यान में आ गए थे, तो एक प्रोविज़न कर दिया गया अवशिष्ट शक्तियों का, यानी यदि भविष्य में कोई ऐसा सब्जेक्ट सामने आता है जिसके बारे में ना तो केंद्रीय सूची में बात की गई है और ना ही राज्य सूची में बात की गई है, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को, और इसी को ही कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, DPSP, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हम डिटेल में बात करेंगे जब संविधान का पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि DPSP का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और क्या प्रोविज़न लिए हैं हमने आयरलैंड से, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा। हम सब जानते ही हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। तो ये जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है कि वो क्यों किया जाता है, उनका उद्देश्य क्या है, वो हम पार्लियामेंट का जब मैं टॉपिक कराऊंगा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए, ये जो नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और साथ ही आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया है हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उनका चुनाव किस प्रकार होता है, क्या उनके चुनाव के प्रणाली है, वो भी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से। बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने आइडिया लिया है किस चीज़ का, लिबर्टी इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी का, यानी स्वतंत्रता समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत है हमारे प्रस्तावना में। तो ये सिद्धांत हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था फ्रांस में 1789 में, तो उस वक्त वहाँ पर ये बहुत ही फेमस स्लोगन हुआ था, तो वहीं से हमने ये आइडिया लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या इक्वेलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट। बहुत एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला हमारा संविधान है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स within the country and between the states, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता देश के अंदर और देश के बाहर भी। ये व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके साथ ही हमने और क्या लिया है,
कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का भी जो हमने आइडिया लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब समवर्ती सूची क्या होती है, यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है, ऐसे कॉमन इश्यूज़ को हमने समवर्ती सूची में रखा है। तो समवर्ती सूची और संघ सूची राज्य सूची को हम अपनी आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखेंगे कि समवर्ती सूची का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं रशिया की, हमारा बहुत ही पुराना दोस्त आज भी है। रशिया से हमने दो चीज़ें ली हैं और दोनों के दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला लिया है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य, जिसकी बात की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 51A। वे मौलिक कर्तव्य हमारे ओरिजिनल संविधान में तो था नहीं, वो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भी हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने रशिया से लिया है। और रशिया से साथ ही साथ हमने क्या लिया है, हमने जो प्लैंड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी नियोजित जो अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने लिया है रशिया से। अभी पहले हमारे देश में योजना आयोग था और पंचवर्षीय योजनाएं थी। अब ये पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्लैंड इकोनॉमी का पार्ट थी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं या जो नियोजित विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से। अगली बात करते हैं हमारे अफ्रीका से। अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। अभी संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है, किन किन तरह से किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है, वो सब हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से। और साथ ही राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है, हम जानते हैं अभी हाल ही में, अभी एक दो दिन पहले हुआ भी है, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उसके पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, अफ्रीका से। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने अपनी इमरजेंसी आपातकाल का प्रावधान लिया है। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्यों लगाया जाता है, वो सब हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और साथ ही सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है, ये आइडिया भी बेसिकली ये पार्ट तो इमरजेंसी का ही है। तो डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये इमरजेंसी का प्रोविज़न तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर याद रखना कि कहाँ से लिया है, जर्मनी से। सो आज के सेशन में हमारे बस इतने ही चीज़ें जानने और समझने वाली थी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।